हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पास जो आपके ड्राइव रहते हैं उन ड्राइव्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पर कि आपका पूरा डेटा रहता है वो एक ही ड्राइव पे रहता है। तो हम इस ड्राइव को कैसे पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करेंगे आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। गाइस, कैसे रहता है कि आप जैसे ये सी ड्राइव है, अब ये विंडोज सी ड्राइव में पूरा डेटा रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि कुछ पार्ट्स में हम जो हमारा डेटा है उस पार्ट्स को हम पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास देख सकते हैं, हमारे पास चार पार्ट्स में कन्वर्टेड है जो डेटा है, हम अलग अलग पार्ट्स में रखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही कंप्लीट प्रोसेस बात करने वाले हैं कि कैसे करना है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट्स हैं, वो चीजें मैं सब कुछ बताने वाला। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम विकास जायसवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल विकास। जल्दी से वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले देख सकते हैं आप जिस पीसी पर आ जाइए और यहाँ पास देख सकते हैं हमारे पास चार फोल्डर हैं। तो इस फोल्डर को ही मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। अब सिंपली से क्या करना है, सिंपली से आपको बैक आ जाना है। इसके बैक आने के बाद सिंपली से आपको सर्च वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है एंड सर्च वाले ऑप्शन पर प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ आपको सर्च करना है क्रिएट। जैसे क्रिएट सर्च करते हैं आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट ए फॉर्मेट हार्ड डिस्क, तो इस पर आपको प्रेस कर देना। जैसे आप प्रेस करते हैं आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली से हम इसे फुल स्क्रीन करते हैं एंड यहाँ पास देख सकते हैं आपके पास डिवाइड उतने आपको शो करेगा। जो भी ड्राइव में ज्यादा डेटा है या ज्यादा जीबी का स्टोरेज है उस पर आपको क्लिक, जिसको कन्वर्ट करना है उस पर प्रेस करना है। तो मैं इसी को कन्वर्ट करने वाला हूँ, सिंपली से इस पर प्रेस करूंगा। इसको राइट क्लिक करने के बाद सिंपली से आपको श्रिंक वॉल्यूम में आपको प्रेस करना है। जैसे श्रिंक वॉल्यूम में प्रेस करते हैं, अब यहाँ पास गाइस हमारे पास जो डेटा है ये कुछ आ रहा है। तो आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ एमबी लिखना है। तो आपको सिंपली से कुछ एमबी ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमारी 69 GB की ये ड्राइव बनी है, तो इस ड्राइव को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ 30 GB में। तो ऐसा कुछ कन्वर्ट करने के लिए सिंपली से हम क्या करेंगे, इस पर बैक आते हैं एंड देन मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। तो गाइस यहां पास देख सकते हैं 1 GB में 1024 MB होता है, तो हम कन्वर्ट करने वाले हैं 30 GB पे। तो यहां पास देख सकते हैं हमारे पास आ गया 30720 MB। तो 30720 MB को हम क्या करेंगे, वहां जो आपके पास डेटा आ रहा है उस पर ऐड करना है। तो सिंपली से हम राइट क्लिक करेंगे देन इसके बाद श्रिंक वॉल्यूम और इसके बाद यहां हम 30,000 लिख देते हैं, 30720। तो यहां पास देख सकते हैं हमने 720 वैल्यू लिख दी। अब सिंपली से श्रिंक वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देना है। तो गाइस यहाँ पास देख सकते हैं हमारी जो 30 GB की ड्राइव है वो अलग से कन्वर्ट हो चुकी है। अभी आपकी जो ड्राइव है वो आपको शो नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, फिर से राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा न्यू सिंपल वॉल्यूम, इस पर प्रेस कर देना है। देन प्रेस करने के बाद सिंपली से नेक्स्ट वाले आइकन पर प्रेस कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास फिर से ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट वाले आइकन पर प्रेस करना है और इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये आपके पास पूरे लेटर है, तो इन लेटर में जो भी आप नाम रखना चाहते हैं उस लेटर का ऐड कर लेना है। तो मैं आई या जे रखता हूँ। इसके बाद सिंपली से नेक्स्ट वाले आइकन पर प्रेस करना है। इसमें आपको कोई सेटिंग में छेड़खानी नहीं करना है, जो डिफॉल्ट है उस पर रहने देना है। नेक्स्ट वाले आइकन पर प्रेस कर देना है। देन जैसे प्रेस करते हैं इसके बाद फिनिश वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देना है। तो गाइस यहाँ पास देख सकते हैं हमारे पास पॉपअप आने वाला है, यहाँ पास आ चुका है कि हमारे जो ड्राइव है वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब सिंपली से हम बैक करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पास देख सकते हैं हमारा जो ड्राइव वाला है वो काम हो चुका है। अब सिंपली से हम इसे बैक करते हैं देन दिस पीसी में हम जाते हैं। दिस पीसी में हमने एंटर किया और यहाँ पास देख सकते हैं गाइस हमारे पास अलग से 30 GB की जो ड्राइव है वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने जो आपके लैपटॉप के ड्राइव को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक हाई स्टोरेज को कम स्टोरेज में डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और अलग अलग ड्राइव में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इससे काफी सारे प्रॉफिट रहते हैं। गाइस मैंने अभी जब से लैपटॉप लिया है इसमें एक मैंने गलती की है कि जो गलती की है मैं सब कुछ जो डेटा रखा हूँ वो सी ड्राइव में रखा हूँ। तो सी आपको ड्राइव में नहीं रखना है, जो आपकी अलग से ड्राइव बनानी है उस पर डेटा रखना है। क्योंकि इस पर अगर आप डेटा रखते हैं तो अगर आपका कभी लैपटॉप रिसेट होता है या कुछ भी होता है तो आपका जो डेटा है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। तो मैं करने क्या वाला हूँ कि जो इनका डेटा है वो इस इन ड्राइव पर, जो हमारे पास खाली ड्राइव पड़ी है इन ड्राइव पर मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कोई भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई दिमाग सवाल आता है या अगर आप कोई अदर टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो गाइस आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।